नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे पेशाब की जगह को दही से धोने का उपाय कब किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, पेशाब की जगह को दही से धोने का, साफ करने का उपाय कब किया जाता है। दोस्तों जब कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में होता है और मंदा होता है, शुक्र की दो कंडीशन होती हैं दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 6 में हर ग्रह की दो कंडीशन होती है। लाल किताब के अनुसार हर ग्रह एक ही ग्रह में अच्छा फल भी देता है, बुरा फल भी देता है, नेक असर भी देता है, मंदा असर भी देता है। तो जब शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में होता है और मंदा असर देता है, तब ऐसे में दोस्तों औलाद से संबंधित परेशानियाँ आती हैं और पैसे से संबंधित परेशानियाँ आती हैं। जैसे पैसे में पैसे का नुकसान होना, पैसे की बरकत ना होना, आमदनी से ज़्यादा खर्चा होना और औलाद से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आती है, ऐसे मंदे असर जब शुक्र के आते हैं औलाद से और पैसे से संबंधित, तब उसके लिए पंडित जी ने लाल किताब में उपाय बताया है और ये उपाय पेज नंबर 457 पर लिखा है, जो लाल किताब का पहला वॉल्यूम है। तो उसमें पंडित जी ने बताया दोस्तों कि जब औलाद और पैसे से संबंधित परेशानियां हो तो ऐसे में पेशाब गाह को, मतलब पेशाब की जो जगह है उसे दही से साफ करते रहने से बहुत ही अच्छे असर मिलते हैं, बहुत ही शुभ असर मिलते हैं और उससे औलाद से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, मतलब पैसे की वृद्धि होती है, पैसे में बरकत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।